Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum friends. Welcome back to my YouTube channel How to Beauty. How to Beauty में मैं आप सब लोगों को welcome कहती हूँ and कैसे हैं आप सब लोग? I hope कि सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से भी होंगे. मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप सब लोग हमेशा खुश रहें, बात रहें, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात में कमी फरमाएं, आपको आपके मकसद में, मुझे मेरे मकसद में कामयाबी अता फरमाएं और तमाम लोगों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखें. आमीन सुम्मा आमीन. आप भी कमेंट में आमीन लिख दीजिएगा अगर आपको दुआ अच्छी लगे तो, और सलाम का जवाब देना मत भूलिएगा. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बहुत ही ब्यूटीफुल सा पार्टी मेकअप है. आप इजीली इन्हें कर सकती हैं. बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही ब्यूटीफुल मेकअप है. इसमें आपको ज्वेलरी के आइडियाज़ दिए जाएंगे और हेयर स्टाइल्स के आइडियाज़ भी होंगे. वीडियो को देखते रहिएगा. आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगी. अगर आपने किसी शादी में जाना है या फिर आपके भाई या बहन की शादी है, आपने मेकअप का आइडिया लेना हो तो ज़रूर वीडियो को देखिएगा. इसके अलावा इसमें आपको ये भी आइडियाज़ दिए जाएंगे कि आप मेहंदी के फंक्शन में किस तरह से ज्वेलरी अपने ड्रेसेस के साथ मैच करके लगा सकती हैं, किस फेस के लिहाज से माथा पट्टी सूट करती है या नहीं, नेकलेस आप पहन सकती हैं नहीं. ये तमाम आइडियाज आपको मिल रहे होंगे. आई होप कि आपको पसंद आ रहे होंगे. आपको थोड़े से डार्क लिपस्टिक के साथ भी आइडियाज दिए जाएंगे. लाइट मेकअप भी होगा और बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्मोकी आइज के साथ भी मेकअप होगा, शिमरी आइज के साथ भी होगा. इसमें लेटेस्ट ट्रेंडिंग आइडियाज हैं अनमैरिड गर्ल्स के लिए भी, मैरिड गर्ल्स के लिए भी. तो वीडियो को देखते रहिएगा. इसमें देखिए, आप लेटेस्ट और न्यू आइडियाज़ ये जा रहे हैं. आप अगर देखें तो ड्रेसेस के साथ मैच करके लिपस्टिक नहीं लगाई गई, जैसे फेस है वैसे ही लिपस्टिक लगाई गई है. और इसके अलावा आप देख सकती हैं कि डार्क ड्रेसेस के साथ अगर आप लाइट कलर का मेकअप करें तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है. इसके अलावा आप अपोजिट भी कर सकती हैं. अगर आपका ड्रेस लाइट है तो आप डार्क मेकअप भी कर सकती हैं. नाइट फंक्शन में आप शिमरी आइज रखें तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं. और इसके अलावा आप अगर आपके डे फंक्शन हैं तो आप अपना मेकअप थोड़ा सा लाइट ही रखें तो वो बेस्ट होता है. और मेकअप करके आप धूप में जाने से परहेज़ किया करें, उसके आपको स्किन पर साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं. और चाहे जितना भी ब्रांडेड मेकअप हो, लेकिन इस चीज़ से अवॉइड किया करें कि अगर आपने मेकअप किया हुआ है, मेकअप करने से पहले आप सनस्क्रीन लगा लिया करें या सनब्लॉक जो आपके पास है वो आप लगा सकती हैं. इससे आपकी स्किन को हेल्प मिलती रहती है, एक महफूज रहती है आपकी स्किन अगर आपको धूप में जाना लाजमी है तो. इसके अलावा फ्रेंड्स, आपके साथ हर वीडियो में एक छोटा सा मैसेज शेयर किया जाता है. वो मैसेज सिर्फ यही होता है कि काइंडली कभी किसी का दिल मत दुखाएं. वॉइड किया करें इस चीज़ से कि आपकी वजह से कोई दूसरा इंसान हर्ट ना हो. कोई भी इंसान हो, चाहे आपके माँ बाप हों, आपके हमसाए हों, आपके रिश्तेदार हों, अवॉइड किया करें. एक मरतबा कोशिश कीजिएगा, देखिएगा आपको कितनी खुशी मिलती है. अल्लाह ताला आपको भी और मुझे भी इस पर अमल करने की तौफीक दे और तमाम मुसलमानों को कोरोना वायरस से महफूज रखे. जिन मुसलमानों को है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत याबी वाली लंबी उम्र अता करें. हम सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हमसे ये आफत दूर ले जाएं. आमीन सुम्मा आमीन. आप भी कमेंट में आमीन लिख दीजिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा. मेरी इसी तरह से मदद करते रहिएगा, वीडियोस को देखते रहिएगा. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग मी एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल. अल्लाह हाफिज़.